हमारे देश में बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। तमिलनाडु विधानसभा में स्वीपर और सैनिटरी वर्कर के 14 पदों के लिए आवेदन बुलाए गए थे। इसके लिए इंजीनियरों, एमटेक और बीटेक सहित एमबीए के 4600 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और कई डिप्लोमाधारियों ने भी आवेदन भेज दिए। यानी स्वीपर के एक पद के लिए हालत यह है कि 4600 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दिया गया है और इनमें एमटेक, बीटेक जैसे और एमबीए जैसे युवक भी शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ पर 14 पद रिक्त हैं और उसके लिए 4600 आवेदन मिले हैं। 26 सितंबर को सचिवालय द्वारा इन पदों के आवेदन बुलाए गए थे और उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए एकमात्र योग्यता शारीरिक रूप से सक्षम होना रखी गई थी, लेकिन सचिवालय को 4607 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 6677 आवेदन खारिज भी कर दिए गए। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की हालत कितनी भयावह हो गई है कि स्वीपर के पद के लिए एमटेक, बीटेक और एमबीए उम्मीदवार अपने आवेदन भेज रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।